तो अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि प्राइज एक्शन क्या होता है, उसके बेसिक को समझेंगे। बाकी उसमें ट्रेंड लाइन वगैरह बनाना वो सब आप हमारी उस जो ट्रेडिंग व्यू वाली ट्यूटोरियल है उसमें सीख ही जाओगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइज एक्शन ट्रेडिंग होता क्या है, एक्चुअली प्राइज एक्शन होता क्या है, लोअर लो क्या होता है, हायर हाई क्या होता है, इन सब चीज़ों को कैसे हम देखते हैं, कैसे यूज करते हैं और किस तरह से इसको सिंपली सिंपल वे में कैसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चार्ट आपको दिख रहा है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ चीजें मैं आपको, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है लोअर लो हायर हाई को समझने में, ठीक है, तो मैं उसको पहले सिंप्लीफाई करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले ये ले लेता हूँ, एक टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एच। एच लिखने का रीजन क्या है, जितने भी मेरे पास हाई है ना, जैसे ये हाई है, हाई मतलब ऊपर होता है आपको भी पता है, तो ये नीचे से गया है मार्केट और ऊपर इसने हाई बनाया, यहां से नीचे आया, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया एच, अभी मैं सिर्फ एच लिख रहा हूं, मतलब कि ये मेरा हाई है, हायर है, ठीक है। दूसरा मेरे पास, उसके बाद मार्केट नीचे आया, यहां पे आया, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एल, ठीक है, एल लिख दिया, एच लिख दिया। इसी तरह से फिर से एक और हाई है मेरे पास, मैंने यहां पे लिख दिया फिर से एच, और जब मैं यहां आया तो फिर से मुझे टेक्स्ट लेना पड़ रहा है, मैं यहां आया फिर से मैंने यहां पे लिख दिया एल, और इसके ऊपर जब मैं गया तो यहां भी मैंने लिख दिया एच, और यहां मैंने लिख दिया फिर से वापिस से एल, ठीक है। आगे भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा ही और बचा है, बस दो और बचा है मान लो, तो दो या तीन, तीन है, ठीक है। उसके बाद मैं यहां आ रहा हूं और मैंने यहां लिख दिया एच टू द नेक्स्ट, क्योंकि यहां से नीचे आया फिर वो वापिस ऊपर गया, तो यहां पे मैं लिखूंगा एल, ठीक है। इसी में आपका सारा लोअर लो हायर हाई वाला सारा कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एल और ये मैंने लिख दिया ऊपर फिर से एच, क्योंकि ये मेरा दूसरा हाई था, ठीक। उसके बाद अभी मार्केट ने यहां पे लो लगा दिया, तो मैं यहां पे फिर से एल लिख दे रहा हूं, और यहां से मार्केट थोड़ा सा अभी ऊपर गया, तो ये मैं, मुझे नहीं पता ये हायर हाई अभी बनाया नहीं बनाया, मतलब मार्केट को अभी और कुछ रिएक्शन देना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि ये लोअर लो है या हायर हाई बन रहा है, कहाँ हाई बन रहा है, कहाँ लो बन रहा है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर से बताना, ठीक है। ये हाई था, मैंने इसमें एच लिख दिया, एच मतलब हाई, एल मतलब लो, ठीक है। अब हम समझेंगे कि लोअर लो हायर हाई क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये एच है, ये हाई है, ठीक है, पहले वाले को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये एल है, ये लो है, ये लो था, अगर मैं यहां से देखना स्टार्ट कर रहा हूं, ये मेरा हाई है और ये मेरा लो है, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये एक और हाई बना है ऊपर, ठीक है, बट ये क्या है, अब हम देखेंगे कि ये हाई इससे ऊपर है या नीचे, अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है या नीचे है। अगर ये ऊपर है, ठीक है, तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा, ठीक है, एच था ये, अब ये फिर से प्रीवियस हाई के ऊपर है तो मैं यहां पे लिख दूंगा फिर से एक और एच। इसका मतलब क्या है, हायर हाई, यहां मैं लिख देता हूं, टेक्स्ट ले लेता हूं, एच एच मतलब हायर हाई, ठीक है, एक हो गया हमारा। अब दूसरा, हमारा ये एक लो था, अगर ये आप देखोगे, ये हमारा एक लो था, ये हमारा एक लो था, और एक और हमारा ये लो बना है, बना तो लो है क्योंकि हम यहां से देखेंगे ना इसके पर्सपेक्टिव में, ये हाई बना है तो ये उसका लो बना है। बट अब हम प्रीवियस लो को देखेंगे कि प्रीवियस लो से ये वाला लो और लो है या उससे ऊपर है, मतलब प्रीवियस लो से नीचे चला गया है या उससे ऊपर है। तो हमें दिख रहा है कि ये प्रीवियस लो से ऊपर है, ऊपर है मतलब प्रीवियस लो से ऊपर है, मतलब ऊपर होता है, तो हम लिखते हैं हाई, तो यहां पे हम लिख देंगे एच, ठीक है। यहां पे हमने लिख दिया एल, तो लिखा हुआ ही था क्योंकि वो लोअर है पहले से, अब उसके साथ में हम लिख देंगे एल एच, अब यहां पे हो गया एल एच, और एल एच का मतलब क्या होता है, अगर हम वो लिखना चाहें, एल एच मतलब लोअर हाई, ठीक है।
चीजें क्लियर हो गई, एक हो गया हमारा हायर हाई, एक हो गया लोअर लो। अब फिर से मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, और ये वाला जो हाई था इसके ऊपर एक हाई बनाया, ये हाई था अभी हाई है हमारा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रीवियस हाई जो था उससे ये ऊपर गया है, नहीं ऊपर गया है, तो हम यहां पे फिर से लिख देंगे एच, मतलब ये हायर हाई है अपना, और ये ऑलरेडी हमारे पास इधर है, इसका मतलब हायर हाई होता है, तो हमने इसको यहां पे लिख दिया सिर्फ। अब दूसरा वाला जो लो है ये भी सेम है, जो प्रीवियस लो था जो कि ये है हमारा, इससे ये ऊपर है, ऊपर है, तो हम इसमें लिखेंगे एच लास्ट में, तो हो गया हमारा लोअर हाई। अब सीखने की चीज आएगी आपकी कि ऊपर, अब क्योंकि अब चीजें चेंज होंगी, ठीक है। अब ये पहले तो हायर हाई है, एक और हायर हाई यहां पे ये बन रहा है, तो हम फिर से एक और एच लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक और हायर हाई बन गया। बट अब देखो यहां पे ये क्या है, ये वाला जो हाई है ये इसके नीचे है, क्लोजिंग को अगर आप देखोगे तो ये तो हाई है, ये भी हाई है, अगर ये तो लो बन गया, पहले पहले लो वाले को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये एक लो है, ठीक है, ये एक लो है, और इसका जो लो है वो उससे भी नीचे है। तो अब हम पहले इस लो को देखेंगे कि ये क्या है, तो ये फिर से लोअर हाई ही है हमारा, क्योंकि इस लो से ये वाला लो है हमारा ऊपर, तो हमने इसको फिर से लोअर हाई लिख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके बाद हमारा मार्केट फिर ऊपर गया और प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, तो ये हो गया इस हाई से, ये वाला हाई जो है वो नीचे है, क्लोजिंग को सिर्फ देखोगे तो, ठीक है। तो क्योंकि नीचे है तो नीचे के लिए हम लिखते हैं एल, तो हम लिखेंगे एच एल, और एच एल का मतलब क्या होता है, एच एल मतलब होता है हायर लो, तो हम फिर से यहां पे लिख देंगे एच एल इज इक्वल टू हायर, एच आई जी एच ई आर होता है हायर लो, है ना। एच मतलब हायर, एल मतलब लो, है ना। एच मतलब फर्स्ट वाला जो एच है उन इसमें सबका मतलब होता है हायर, हायर 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 हायर, है ना। और अगर सिंगल है तो लो या हाई आप उसको बोल सकते हो। जो सेकेंड वाला एच होता है उसका मतलब होता है हाई या फिर लो, है ना। अगर सेकेंड वाले एच का मतलब हाई है, सेकेंड वाले एल का मतलब लो है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट हमारे पास आया हायर लो का, ठीक है। ये बन गया हमारा सॉरी, ये एच एल एच बना लोअर लो, और ये बन गया हमारा हायर लो। और उसके बाद अब ये वाला देखते हैं, इसका प्रीवियस, इससे पहले वाला जो लो था वो इससे ऊपर था, अब ये उसके नीचे आके एक और लो बनाया इसने, इसको देखोगे आप तो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, पहले तो ये एक एल था, अब क्योंकि ये प्रीवियस जो इसका लो था उससे भी नीचे है, तो हम एक और एल इसमें लिख देंगे, ये हो जाएगा एल एल, और एल एल का मतलब क्या होता है फिर हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, एल एल का मतलब होता है, पहले हम लिखेंगे एल एल इज इक्वल टू एल, फर्स्ट एल का मतलब होता है लोअर, तो हमने लिख दिया लोअर, सेकेंड एल का मतलब मैंने अभी बताया था आपको कि लो, तो ये क्या हो गया लोअर लो। अब इन सब का यूज कैसे करना है ट्रेडिंग में, अगर आप देखोगे तो मैं बताऊं आपको, ठीक है। पहले मैं नीचे से आ रहा था इंडिकेटर हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो ये एक हाई बना, एक लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, ये लोअर हाई बना, फिर हायर हाई बना, फिर लोअर हाई बना, जब तक मार्केट हायर हाई बनाता रहे और लोअर हाई बनाता रहे, मतलब एल एच और एच एच अगर ये बनता रहे मार्केट में तो मार्केट बुलिश है, तो हमें सी साइड में एंट्री देखनी चाहिए हमेशा, ठीक है। पी साइड की एंट्री को अवॉइड करना चाहिए, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यही बोलता है, ठीक है। जब तक मार्केट में हायर हाई बन रहा है और लोअर हाई बन रहा है तब तक मार्केट में हम बुलिश है, तब तक हमें बेयरिश ट्रेड नहीं देखना है, प्राइस एक्शन स्ट्रिक्टली मना करता है इसको कि हमें नहीं देखना है, ठीक है। टू द नेक्स्ट हम इसमें बेयरिश ट्रेड देखेंगे कब, ठीक है। तो ये हमारा एक हायर हाई बना और ये बन गया हमारा हायर लो। जैसे ही यहां पे ये हायर लो बना ना, यहां पे हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट की पोलरिटी बदल रही है, अब हमें मार्केट में बुलिश नहीं रहना है, यहां पे हम पूरी तरह से बेरिश नहीं होंगे क्योंकि हमें एक हायर लो मिला है,
और सेकेंड वाला अभी हमें मिला नहीं है, जो कि अभी हम मान लो यहीं पे हैं तो ठीक है। तो यहां से हमें अपने बुलिश ट्रेड को काट देना है ठीक है। अगर आप सी साइड में एंट्री ले रहे हो तो अब सी साइड में एंट्री नहीं बन रही है, प्राइस एक्शन ये बोल रहा है कि अब हायर हाई से हम हायर लो में शिफ्ट हो गए। इसका मतलब मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ अब बची नहीं है ठीक है। यहां तक तो स्ट्रेंथ बची थी क्योंकि इसने लोअर हाई बनाया था, एल एच एल एस जब तक बनता रहता तो मार्केट बुलिश है, बट उसके बाद बन गया एच एल, तो एच एल बोल रहा है नीचे जा रहा हूं मैं ठीक है। तो इसलिए हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, सी साइड में तो लेंगे ही नहीं, अगर लेना भी है तो हम पी साइड की एंट्री को देखेंगे इसके बाद। लेकिन पी साइड की एंट्री को भी कब देखें, जब इसका जो लोअर हाई है ये ब्रेक हो जाए, मतलब कि इसमें अगर एंट्री देखा जाए तो इस पोजीशन के बाद पी साइड में एंट्री बन रही थी ठीक है। 22,213 के नीचे जब ये मार्केट आया तो यहां पे ये वाला हम पी साइड में एंट्री बना सकते थे, और उससे पहले क्योंकि यहां पे अगर आप कैंडल स्टिक अगर सीखे होते, यहां पे आपको दिख रहा है कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो यहां से आप ऊपर की एंट्री बना सकते थे ठीक है। यहां भी आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, यहां से आप ऊपर की एंट्री बना सकते थे। यहां पे आपको ये बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है, वैसे बुलिश इंगल्फिंग इसको नहीं बोलेंगे, बट ये जो सेटअप है ये ऑलमोस्ट बुलिश ही है। तो यहां से आप बुलिश ट्रेड को छोड़ भी सकते थे, या फिर लेते भी तो बुलिश ट्रेड ही लेते, बेरिश ट्रेड नहीं बन रहा था ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड को प्लान किया जाता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन होता है, इसमें बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन बना के भी ट्रेड करते हैं। जैसे अगर आप ट्रेंड लाइन बना के ट्रेड करना चाहो तो जैसे आप देखो ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाया, अब देखो तो ट्रेंड लाइन बनाया, तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गया, तो अब ये क्या बोला कि मैं बुलिश नहीं हूं ठीक है। और जब इसके ऊपर गया था ये नीचे और ऊपर अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन बना दो, तो अब देखो जब ये ब्रेक जब इसके ऊपर गया और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेक हुआ, मतलब कि यहां से ये अपनी ये लोअर रेंज में वापस से आएगा ठीक है। तो यहां से फिर से यहां का ट्रेड एक बन सकता था ठीक है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग होती है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सप्लाई जोन, डिमांड जोन और प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होता है वो बताऊंगा। वैसे ही मैं डेली अपनी एनालिसिस वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर करता हूँ, जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप उसको मैच करोगे, हमारी वीडियो देख लेना, और उसके बाद आप उसको ट्रेडिंग व्यू पे जाकर उसको मैच करना कि उस दिन मैंने क्या बताया था और किस तरह से हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वो रिएक्ट करता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लेना है वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तब हम इसको यहीं पे बंद करते हैं, और आगे आने वाली वीडियोज में हम जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, और आपको मैं एक परफेक्ट ऑप्शन ट्रेडर बनाने के रास्ते पे जरूर लेके आऊंगा। अगर आप हमारी वीडियो को देखोगे, उसको फॉलो करोगे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। यही रास्ता है, बिना सीखे अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे, किसी भी मेरे भी टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहां पे टिप्स नहीं देता हूँ, मैं वहां पे आपको सिखाता हूँ, लर्निंग प्रोसेस आपका बढ़ाता हूँ कि कैसे आप सीख सकते हो। मैं वहां पे ये नहीं बोलता कि आप ले लो और एक दिन आपने 2,000 कमा लिया उससे कुछ नहीं हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आप लूज कर जाओगे अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आएगी तो। 2,000 के आप उससे ज्यादा भी लूज कर सकते हो, बहुत सारे लोग तो घर बिक गए ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर से शेयर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ कि यस मेरी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं भी और एनर्जी से वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।